Hey everyone, welcome back to our YouTube video series on CTET. Today we will discuss cube and cube roots, and this topic is from class 8. Please subscribe and press the bell icon. Now let's start by understanding what exactly a cube is. Cube is a number. Multiplied by itself twice. किसी नंबर की दो बार उसी के साथ मल्टीप्लीकेशन करना क्या होता है? क्यूब. जस्ट लाइक अ स्क्वेयर, स्क्वेयर इज अ नंबर मल्टीप्लाइड बाय इट सेल्फ ओनली वंस. सिर्फ हम स्क्वेयर में क्या करते हैं? एक ही बार मल्टीप्लाई करते हैं. ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाता था? स्क्वेयर. बट क्यूब के अंदर क्या होता है? टू टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं सेम नंबर की. ठीक है, जैसे देखिए कुछ एग्जांपल्स हैं. टू क्यूब क्या होता है हमारा? एट. ठीक है, थ्री क्यूब इज 27, फोर क्यूब इज 64, फाइव क्यूब इज 125. ठीक है, ये कुछ एग्जांपल हैं हमारे क्यूब्स के. अब आप इसमें कुछ चीज नोटिस करना कि जो 27 है, 64 है, जितने भी नंबर्स हैं, ये सभी हमारे एक्चुअल में क्या है? परफेक्ट क्यूब्स. परफेक्ट क्यूब्स क्यों है? क्योंकि ऐसा नंबर है हमारे पास एग्जिस्ट करता है जिसकी अगर हम थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो वो नंबर हमें ये वैल्यू देगा. ठीक है, इस टाइप का नंबर एग्जिस्ट करता है, इसलिए नंबर्स क्या है? परफेक्ट क्यूब्स. जैसे 9 है, एग्जाम्पल मान लीजिए, 9 परफेक्ट क्यूब नहीं है. क्यों? क्योंकि 3 मल्टीप्लाई बाय 3 गिव्स 9. ठीक है, 3 का स्क्वेयर 9 है, परफेक्ट स्क्वेयर है ये, बट परफेक्ट क्यूब नहीं है. ठीक है, और इसी टेबल से और देखिए, हम अगर इवन नंबर की बात करें, इवन नंबर्स का क्यूब करोगे तो हमारे पास हमेशा इवन ही आएगा, और अगर आप ओड नंबर्स का क्यूब करोगे तो हमारे पास क्या आएगा? ओड नंबर ही आएगा. सिमिलरली लाइक स्क्वेयर्स, हमने स्क्वेयर में भी ऐसे किया था कि टू इवन नंबर्स का अगर आप मल्टीप्लाई करते हो आपस में, उनका स्क्वेयर लेते हो, तो हमारे पास इवन ही आता है और ओड नंबर्स का स्क्वेयर ओड आता है. ठीक है, इसी तरीके से इवन नंबर्स का क्यूब इवन आएगा एंड ओड नंबर्स का क्यूब ओड आएगा. ओके, तो ये तो हमारे जैसे परफेक्ट क्यूब बन गए, बट कुछ नंबर्स ऐसे भी होते हैं जिनको हम परफेक्ट क्यूब बना सकते हैं. ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में कि आप फाइंड आउट कीजिए कि गिवन नंबर को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि वो एक परफेक्ट क्यूब बन जाए. जैसे ये एग्जाम्पल, ये वाला ले लीजिए, हम इस नंबर को 3 को किससे मल्टीप्लाई करें. ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये है, इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि एक परफेक्ट क्यूब बन जाए. परफेक्ट क्यूब क्या होगा? ये वाला बनेगा ना, 27 आना चाहिए. इसका मतलब अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास एक परफेक्ट क्यूब की फॉर्मेशन हो जाएगी. ठीक है, सिमिलरली आपके लिए डिविजन में भी पूछ सकता है कि आप किस नंबर से आप इसको डिवाइड करो कि आपके पास परफेक्ट क्यूब की फॉर्मेशन हो जाए. ठीक है, तो ये छोटे छोटे बेसिक्स हैं और इन पर एक इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है. अगर आपके बेसिक्स क्लियर है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. ठीक है, चलते हैं क्यूब रूट्स पर. क्यूब रूट्स क्या है? जैसे स्क्वेयर रूट किया था हमने, स्क्वेयर रूट क्या था? इनवर्स था स्क्वेयर का. ऐसे ही क्यूब रूट्स क्या है? इनवर्स है क्यूब्स के. ठीक है, तो जैसे मान लीजिए हमारे पास 2 क्यूब क्या था? 8 था ना. ठीक है, तो हम क्यूब रूट की बात करें, विच मीन्स देखिए स्क्वेयर रूट में क्या था? पावर हाफ हो जाती है. क्यूब रूट में क्या होगा? पावर 1/3 हो जाएगी. ठीक है, तो हम अगर 8 का क्यूब रूट निकालना चाहें कि अगर 8 की पावर 1/3 हो तो ये क्या आ जाएगा? 2. ठीक है, किसी का क्यूब करने से जो वैल्यू आ रही है, अगर हम उसी का 1/3 ले लें, उसका क्यूब रूट ले लें, तो वापस से हमारे पास गिवन नंबर आ जाए. ठीक है, वो हमारा होता है क्यूब रूट. जैसे 8 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा? 2. अगर हम 1 का क्यूब करते हैं तो 1 आता है ना, और 1 का अगर हम क्यूब रूट लें, सॉरी स्क्वायर रूट लें, तब भी 1 आता है, और अगर 1 का हम क्यूब रूट लें तब भी 1 आता है. ठीक है, तो आप इसको क्यूब रूट को इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हो. ठीक है, क्यूब रूट किसी भी नंबर का एक्सपोनेंट 1/3 लिख लीजिए, या फिर आप इसको इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं. अब बात आती है हम क्यूब रूट्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, तो इसके लिए मेथड है हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, उसकी हेल्प से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं. चलिए हम एग्जांपल लेते हैं 3375. ठीक है, ये आपका एनसीईआरटी का एग्जांपल है, इसका हमें क्यूब रूट फाइंड आउट करना है. तो क्यूब रूट फाइंड आउट करने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे सोल्व कर सकते हो? देखिए यहाँ 5 है, विच मीन्स दिस नंबर विल बी डिविजिबल बाय 3 और 5, तो 3 से डिवाइड करके देखते हैं. ठीक है, हमें ऐसा प्राइम ढूंढना है जो इसको डिवाइड कर दे. देखिए क्या आ जाएगा? 1, 1, 2, 5, अगेन 3 इसका फैक्टर बन सकता है. ठीक है,
थ्री, थ्री जार नाइन, टू इज रिमेनिंग, थ्री सेवन जार 21, वन इज रिमेनिंग, थ्री फाइव जार 15, ओके। अगेन थ्री से वन टू एंड फाइव, ये देखो ये तो फाइव का क्यूब है ना, विच मीन्स फाइव क्यूब इज 125, ठीक है। ठीक है, अब हमारे पास ये जो फैक्टर्स आए हैं प्राइम, उनको हम कैसे लिख सकते हैं, थ्री मल्टीप्लाई बाय थ्री मल्टीप्लाई बाय थ्री मल्टीप्लाइड बाय फाइव मल्टीप्लाइड बाय फाइव एंड मल्टीप्लाइड बाय फाइव, ठीक है, इसको हमने ऐसे लिख लिया। अब हमें क्या करना है, क्यूब रूट फाइंड आउट करने के लिए हमें पेयर बनाने हैं थ्री के, ठीक है। तो थ्री नंबर्स के पेयर बना लीजिए आप, ये दो पेयर बन गया हमारे पास, एक ये बन गया और एक ये बन गया, ठीक है। स्क्वायर रूट्स में हमने क्या किया था, टू नंबर्स के पेयर बनाए थे, यहां पर हम थ्री नंबर्स के पेयर बनाएंगे, ओके। तो इसके इसको आप क्या लिख सकते हो, थ्री का क्यूब मल्टीप्लाई बाय, इसको क्या लिख सकते हो, फाइव का क्यूब, ठीक है। हमने एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स का एक पूरा टॉपिक डिस्कस किया हुआ है, नाइन्थ क्लास का टॉपिक है वो, आपको नाइन्थ क्लास की प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, अच्छे से उसको कवरअप कर सकते हो। वहां पर ही हमने किया था कि अगर ए की पावर सी है मल्टीप्लाई बाय बी की पावर भी सी है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए मल्टीप्लाई बाय बी की होल पावर सी, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, थ्री मल्टीप्लाई बाय फाइव की पावर थ्री, ठीक है। विच मीन्स ये हमारा क्या आ गया, फिफ्टीन की पावर थ्री, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो ये नंबर है ना, ये किसके इक्वल आ रहा है, फिफ्टीन की पावर थ्री, तो इसका क्यूब रूट क्या हो जाएगा, फिफ्टीन, ठीक है। क्योंकि 15 का क्यूब करने से हमारे पास ये वैल्यू आ रही है, तो इसको अगर हम क्यूब रूट निकालना चाहें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 15, ओके। अब देखिए यहां तो इजीली पेयर्स बन गए, ये भी तीन के पेयर बन गया और ये भी तीन का पेयर बन गया, बट ऐसा भी हो सकता है कभी कि पेयर ना बने, देन तो हम जिस नंबर की भी हमारे पास कमी होगी हम उस नंबर से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहां पर हमारे पास ये होता ओनली, तो हम क्या करते, इसको 5 से मल्टीप्लाई करके इसका क्यूब रूट फाइंड आउट कर देते, ठीक है। वो पूछेगा आपको किस टाइप, इस टाइप के क्वेश्चंस में कि हम किस नंबर से इसको मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें कि हमारे पास क्यूब रूट आ जाए, ठीक है। हमारे पास सिर्फ थ्री नंबर्स ही ऐसे होते हैं जिनका क्यूब जो होता है वो उन्हीं के इक्वल होता है, ठीक है। जैसे जीरो, इसका अगर हम क्यूब करना चाहें तो जीरो ही आता है, वन का क्यूब करेंगे तब वन ही आएगा, और माइनस वन का अगर क्यूब करते हैं तो भी माइनस वन आता है, ठीक है। तो गिवन नंबर का अगर हम क्यूब कर रहे हैं तो वापस से वही नंबर आ रहा है, तो ऐसे थ्री नंबर ही है बस हमारे पास, ओके। अब बात आती है कि अगर हमें क्यूब रूट फाइंड आउट करना है किसी भी इस टाइप के नंबर का जो पी बाई क्यू की फॉर्म में हो, ठीक है। पी बाई क्यू मीन्स फ्रैक्शन, ठीक है। कोई भी अगर एक नंबर है आपके पास फ्रैक्शन जो है, उसका अगर आपको क्यूब रूट फाइंड आउट करना है तो आप कैसे फाइंड आउट करते हो, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई भी एक पी बाई क्यू है, ठीक है, एक फ्रैक्शन है, इसका हमें अगर क्यूब रूट फाइंड आउट करना है, विच मीन्स दिस, और आप इसको कैसे लिख सकते हो, इसका क्यूब रूट डिवाइडेड बाय क्यू का क्यूब रूट, ठीक है। तो इससे क्या समझ में आ रहा है हमें, कि अगर पी और क्यू कोई भी दो इंटीजर्स हो, ध्यान रखना इंटीजर्स के केस में ये बात, अगर ये दो कोई भी इंटीजर्स हो देन अगर इसका पूरे का क्यूब रूट फाइंड आउट करना है तो हम इनका अलग अलग से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का क्यूब रूट फाइंड आउट कर सकते हैं और बाद में उनको डिवाइड करके आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। आई रिपीट, दिस केस इज ओनली फॉर द इंटीजर्स। देखिए जैसे हमारे पास ये एग्जांपल है, इसका हमें क्यूब रूट फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखिए पॉइंट के बाद यहां कितने डिजिट्स हैं, सिक्स, और डिनोमिनेटर में सिक्स डिजिट्स हैं, तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं, क्यूब रूट ऑफ 729 डिवाइडेड बाय, इसको लिख सकते हैं 85,184, ठीक है। अब इनका अलग अलग से क्यूब रूट लिख सकते हैं हम, ठीक है। अब इसको अलग अलग से फाइंड आउट कर सकते हैं ये किसका क्यूब रूट होता है, आप इसको प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से सोल्व कर सकते हो, ठीक है। उससे हमें क्यूब रूट्स मिल जाएंगे और इसका क्या बनेगा हमारे पास, ठीक है, इसका क्यूब करने से हमारे पास ये आता है और इसका क्यूब करने से हमारे पास ये नंबर आता है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, नाइन, और ये क्या आ जाएगा, 44, ठीक है। क्योंकि ये आ जाएगा क्यूब, क्यूब की पावर 1/3, और ये आएगा 44 की क्यूब की पावर 1/3, तो ये आ गया हमारे पास 9/44, ठीक है। तो ये सिंपल सा मेथड, आप इस तरीके से इनको फाइंड आउट कर सकते हो। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल फॉर मोर वीडियोस, एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। इफ यू हैव एनी डाउट्स एंड क्वेश्चंस यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।